जमीन भी लोग नहीं खरीद पाएगा, एक अच्छा फ्लैट भी नहीं खरीद पाएगा, क्या करेगा लेके 11 लाख। करने की अगर इतनी हमारी तैयारी के फिक्र है तो आप कोचिंग वगैरह ये मुफ्त में करवा दीजिए, सरकारी संस्थान खड़े कीजिए, ये क्या तमाशा करवा रहे हैं आप हमारे भविष्य के साथ? यही कहेंगे कि सेना को जो बहाली आप ठेका पर देने वाले उसको बंद कीजिए, नहीं बनना चाहते हैं हम लोग, राष्ट्रभक्त बनना चाहते हैं। योजना को वापस से लेने के लिए आज छात्र संगठन द्वारा भारत बंद ऐलान किया गया है और ये तस्वीर है पटना यूनिवर्सिटी गेट पे, जहाँ पे तमाम छात्र संगठन के लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए। आज इस आंदोलन का मतलब क्या समझा जाए, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं? लगातार इस बात को समझने की जरूरत है कि हर एक छात्र नौजवान निजीकरण के खिलाफ है, चाहे वो सेना में हो, रेलवे में हो, या LIC में हो, या किसी भी सरकारी कंपनी में, या किसी भी सरकारी दफ्तर में। जिस तरह से सरकार एक एक करके हर चीज को निजी करने का काम कर रही है, हर चीज को ठेका प्रथा के अंदर लाना चाहती है और नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। लगता अग्निपथ योजना है नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप खुद सोचिए ना कि जहां हम मांग करते हैं स्थायी नौकरी की, वहां बात किया जा रहा है कि 4 साल आप नौकरी कीजिए और रिटायर होकर बैठ जाइए। ये तो सीधी सी बात है ना, समझने वाली बात है कि सरकार साफ तौर पर यह कहना चाहती है आज 4 साल के लिए शुरू किया है, कल को ये 1 साल करेंगे। ये अपने आप को राष्ट्रभक्त और देशभक्त सरकार बोलती है, लेकिन ये बात समझना लेना कि इनकी देशभक्ति कैसी है जो ये सेना के बहाली को कॉन्ट्रैक्ट पर ले रहा है, संविदा पर ले रहा है। ये नियमित प्रकृति का काम है ना, हम लोग मांग कर रहे हैं कि सारा नियमित प्रकृति के काम में ठेका प्रथा नहीं चले। सरकार करिए कि जो रिटायरमेंट मिलेगी उससे आप BPSC तैयारी कीजिए, UPSC की तैयारी कीजिए। नहीं, हम बात कर रहे हैं कि अगर इतनी हमारी तैयारी के फिक्र है तो आप कोचिंग वगैरह ये मुफ्त में करवा दीजिए, सरकारी संस्थान खड़े कीजिए, ये क्या तमाशा करवा रहे हैं आप हमारे भविष्य के साथ? तमाशा, बिल्कुल तमाशा है, उनके उनके भविष्य के साथ मजाक है और कुछ नहीं। मजाक है, युवाओं के साथ बड़ी संख्या में महिला और पुरुष जो है वो सड़कों पर उतरकर अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात जो है वो कर रहे हैं। और ये तस्वीर है, युवा है, छात्र संगठन के जो लोग हैं वो AIDSO द्वारा जो है वो सड़कों पर उतरा गया है। ये युवा ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सेना को जो बहाली आप ठेका पर देने वाले उसको बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, हम लोग राष्ट्रभक्त बनना चाहते हैं। राष्ट्रभक्ति है तो भाई सेवा कीजिए, 4 साल नौकरी का है, 4 साल करेंगे, उसके बाद क्या होगा हम लोगों का? उसके बाद 11 लाख कुछ हजार मिलेगा UPSC। सुनिए ना, 11 लाख में तो एक कट्ठा जमीन भी लोग नहीं खरीद पाएगा, एक अच्छा फ्लैट भी नहीं खरीद पाएगा, क्या करेगा लेके 11 लाख। तो ये तस्वीर है पटना की सड़कों पे, साफ तौर पे लोगों का मानना है, युवाओं का मानना है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार पिछले 4-5 दिन से युवा जो है वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को लेकर गुस्सा है कि जो अग्निपथ योजना आई है अग्निवीर बनाने को लेकर, वो कहीं से उचित नहीं है। 4 सालों के लिए कहीं ना कहीं ये ठेके पर नौकरी जो है वो दी जा रही है। तमाम तस्वीर हम आपको पटना की सड़कों से दिखा रहे हैं, हेडलाइन से बिहार पे, जो अग्निपथ योजना को लेकर जो विवाद और जो तस्वीर बीते कई दिनों से सामने आ रही थी, और आज भारत बंद का ऐलान, हालांकि कोई खास असर नहीं कह सकते हैं कि भारत बंद का दिख रहा है पटना की सड़कों पे हो या बिहार के अलग अलग जिलों में, लेकिन फिर भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना से ही, और पटना यूनिवर्सिटी के गेट से तमाम जो लोग हैं IDSO के छात्र संगठन के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर कर आज इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। और साफ तौर पर मानना है कि जो अग्निपथ योजना है उसे वापस